हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल और आपका स्वागत है आरई रॉयल्स यूट्यूब चैनल पे। उनसे भी टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, व्हीकल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है उसकी बैटरी। आज मैं आपको एक्साइड बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में माउंट होगी। ये वीडियो मेरा इस चैनल पे पहला वीडियो है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। 2014 तक रॉयल एनफील्ड 12 वोल्ट और 14 एच की बैटरी क्लासिक 350 में इंस्टॉल करते थे, लेकिन 2015 के बाद जब से ड्राई बैटरी आनी शुरू हो गई तब से एमरॉन की बैटरी 2015 के बाद क्लासिक 350 में इंस्टॉल होने लगी। सिर्फ क्लासिक 350 में नहीं, बाकी के सभी जो मॉडल्स है जैसे 500 है या फिर स्टैंडर्ड जो है, इन सभी मॉडल्स में एमरॉन की ड्राई बैटरी इंस्टॉल होने लगी। वैसे एमरॉन के 9 वोल्ट और 9 एच के बैटरी में इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड जो बाइक्स है वो मॉडिफिकेशन के लिए जानी जाती है, जिसमें ओनर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल एनफील्ड को मॉडिफाई करते हैं अपने तरीके से। कोई उसमें DRL हेडलाइट इंस्टॉल करते हैं या फिर फॉग लाइट्स बहुत सारे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके वजह से क्या होने लगा कि बाइक के बैटरी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने लगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होने लगे। वैसे ड्राई बैटरी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, वो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होती है, जिसमें आपको डिस्टिल वाटर डालने की जरूरत नहीं होती है, वो लीकेज प्रूफ होती है जिससे एसिड जो है उसमें से गाड़ी के पार्ट के ऊपर गिर के पेंट खराब नहीं होता है। तो इसी सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक्साइड कंपनी ने फिर से रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या फिर यहाँ से आगे जितने भी मॉडल्स है रॉयल एनफील्ड के, तो उसमें फिर से 12 वोल्ट और 14 एएच की बैटरी जो है उसका एक मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है। उस मॉडल का नाम है एक्साइड एक्सप्लोरर, जो कि है वो 14 एएच और 12 वोल्ट की, और उसका मॉडल नंबर है 12XL14L-8। आइए इसके फीचर के बारे में जानते हैं। इन्होंने यहाँ पे हाईलाइटेड इसके जो फीचर्स दिए हैं वो तीन फीचर्स यहाँ पे उन्होंने बहुत ही हाईलाइट करके दिए हैं। इसमें से सबसे पहला है नॉन स्पिलेबल सीट। इसका मतलब है कि वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सील्ड होने के कारण उसमें एसिड जो है वो बाहर गिर के इंजन पार्ट या फिर बाइक का बॉडी पार्ट कौन सा भी खराब नहीं करता। सेकंड इसका फीचर दिया है उन्होंने जीरो मेंटेनेंस। जीरो मेंटेनेंस मतलब उसमें आपको डिजिटल वाटर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये टोटली जब भी बैटरी हमारे पास आती है या फिर हम उसको नई बैटरी लेते हैं तो वो फुल्ली फैक्ट्री चार्ज होती है। तो मतलब जब भी हम कंपनी से बैटरी ले लेंगे तो हमको उसको अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। बैटरी के ये साइड में वारंटी टेबल मेंशन किया है जिसका नाम है वारंटी पीरियड इन मंथ्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बाइक के जो बैटरी का मॉडल है वो 48 मंथ्स के साथ आती है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ऐसी है कि आपको ये जो वारंटी मंथ्स जो है 48 मंथ्स उन्होंने दिया है, वारंटी मंथ्स है आपको प्रोराइड बेसिस के ऊपर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 0 से लेके 24 मंथ्स तक अगर आपके बाइक के बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर बैटरी जो है वो रिपेयरेबल नहीं है, तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट FOC बेसिस के ऊपर आपको रिप्लेसमेंट बैटरी दे देगी। जैसे ही आपका 0 से लेके 24 मंथ्स तक का पीरियड आपका ओवर हो जाता है, उसके बाद प्रोरेटा बेसिस के ऊपर बैटरी का वारंटी पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 25 मंथ से लेके 27 मंथ तक ये पीरियड में अगर आपके बाइक की बैटरी खराब होती है, अगर वो रिपेयरेबल नहीं होती है, तो कंपनी उस बैटरी के अमाउंट के टोटल 50% अमाउंट भरेगी, रिमेनिंग 50% आपको भरना होगा, उसके बाद कंपनी आपको एक्साइड कंपनी आपको एक नई बैटरी अलॉट कर देगी। उसके बाद अगर आपकी बाइक की बैटरी 28 मंथ से लेकर 30 मंथ ये टाइम पीरियड में अगर खराब होती है तो 45% अमाउंट कंपनी पे करेगी, रिमेनिंग 55% अमाउंट आपको पे करना है और रिप्लेसमेंट आपको बैटरी मिलेगी और आप उसको बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट टेबल है वो है 31 मंथ से लेके 33 मंथ तक, जिसमें कि आपको 40% अमाउंट कंपनी पे करेगी, 60% रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपको पे करनी होगी और आपको रिप्लेसमेंट में बैटरी मिल जाएगी। उसके बाद है टेबल है आपका 34 से 36 मंथ तक, इसमें अगर बैटरी खराब होती है तो आपको जो 30% जो अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी, 70% अमाउंट आपको पे करना है। उसके बाद 37 मंथ से 39 मंथ तक 25% अमाउंट कंपनी पे करेगी,
और 75% अमाउंट आपको पे करना है। उसके बाद 40 मंथ से लेकर 42 मंथ तक 20% जो अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी और रिमेनिंग अमाउंट 80% जो अमाउंट है वो आपको पे करना है बैटरी के टोटल अमाउंट पर, और आपको फिर कंपनी एक साइड कंपनी जो है वो नई बैटरी अलॉट कर देगी। इसका जो लास्ट जो स्लॉट है वो है 43 मंथ से लेकर 48 मंथ तक, जिसमें कि 15% अमाउंट जो है वो एक साइड कंपनी आपको पे करेगी, रिमेनिंग 85% अमाउंट जो है वो आपको पे करना है। उसके बाद आपको एक नई बैटरी रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको अलॉट की जाएगी। इस बैटरी के दूसरे साइड में टोटल अमाउंट का यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, जिसमें 3400 रुपये आपको यहाँ पे इस बैटरी के जो टोटल कॉस्टिंग होगी। लेकिन अगर आपकी पुरानी बैटरी अगर आप दे देते हो तो आपको वो डीलर के ऊपर है कि वो अमाउंट कितना कम करेगा। कुछ डीलर जो है वो 300 रुपये कम करते हैं, कुछ डीलर जो है 400 रुपये तक कम कर सकते हैं। वो एरिया के अनुसार ही आपको, आपके एरिया के अनुसार ही आपको टोटल अमाउंट कितनी कम होगी आपको वहाँ पे जाके ही पता चल जाएगा। एक्सेल बैटरी का जो डीलर है वो आपको ये दावा करेगी ये पूरी तरह से ड्राई बैटरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें VRLA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, AGM टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। VRLA का मतलब ये है कि वॉल्व रेगुलेटेड लीड एसिड, जिसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर का प्रमाण या फिर थोड़ा एसिड होता ही होता है। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है वो है AGM, जिसका मतलब है एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट। वो जो एसिड है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए एक वहां पे एक मैट होता है जो पानी जैसे, और जैसे कि एक स्पॉन्ज जो है वो पानी को पकड़ के रखता है, वैसे ही सेम इसमें एक सेल होते हैं जो एसिड को पकड़ के रखते हैं, एक ऑब्जॉर्व करके रखते हैं, ताकि जब भी आपके बाइक को एनर्जी की जरूरत होगी, वोल्ट्स की जरूरत होगी, तो उसमें से वो जो एनर्जी है, जो वोल्ट्स है वो रिलीज कर देता है। इसका एक फायदा ऐसा है कि ये बैटरी जो है वो जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होती, जिसमें उसका जो डिस्चार्ज परसेंटेज जो है वो बहुत ही लो है। तो ये नई टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज की गई। आइए इस बैटरी का हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रही बैटरी, इसके साथ दो कपलर्स आते हैं, इसके अंदर एक ग्रिप जैसा पदार्थ लगा होता है। इसमें प्लस और माइनस के साइन दिए हुए हैं। बैटरी के राइट साइड में वारंटी पीरियड्स इन मंथ्स का टेबल दिया हुआ है, और इसके पीछे एक साइड का बड़ा सा लोगो है और दूसरे साइड में QR कोड और सीरियल नंबर दिए हुए हैं। इस बैटरी के साथ हमको प्लस और माइनस की वायर लगाने के लिए दो बोल्ट्स और स्क्रूज मिलते हैं। जब ये बैटरी हम कंपनी से लेते हैं तो ये फुल्ली चार्ज होती है, उसको अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। आइए इसका जो वोल्टेज है हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर के डायल को हम 20 वोल्ट DC पे सेट करते हैं। प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए है मल्टीमीटर के रेड वाले प्रोब को हम प्लस पे लगाएंगे बैटरी के, और ब्लैक वाले प्रोब को माइनस पे लगाएंगे। और जैसे कि हम यहाँ पे चेक करते हैं तो बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है 12.71 वोल्ट्स, मतलब ये जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज है। चलिए हम बैटरी का AH एम्पायर चेक कर लेते हैं। उसके लिए मल्टीमीटर के रेड वाले प्रोब को बैटरी के एम्पायर के सॉकेट में हम इंसर्ट करते हैं और डायल को सेट करते हैं 10 एम्पायर AC में। और जैसे कि हम मल्टीमीटर के प्रोब्स को टच करते हैं बैटरी के टर्मिनल के ऊपर, तो मल्टीमीटर के ऊपर एक सेकंड के लिए 14.19 एम्पायर दिखा रहा है। उसके बाद वापस चेक करते हैं तो 14.08 एम्पायर दिखा रहा है।
जब आप बैटरी का AH चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर के प्रोब्स को ज्यादा देर तक बैटरी के टर्मिनल पर टच करके नहीं रखना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और गर्मी की वजह से पिघल भी सकते हैं और आपका मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है। चलिए अब इस फुल्ली चार्ज बैटरी को हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में इंस्टॉल करते हैं। ये रही क्लासिक 350। बैटरी इंस्टॉल करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर का सेट चाहिए। इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं, बैटरी बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। बैटरी के प्लस और माइनस साइड आपको चेक करनी है और उसके ही अनुसार आपको इंस्टॉल करनी है। ये जो बैटरी है वो परफेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम बाइक के पॉजिटिव वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर लगाएंगे। जब भी आप बैटरी इंस्टॉल करेंगे तभी आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको बाइक की पॉजिटिव वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लगानी है और बाद में आप नेगेटिव वायर जो है हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर लगाएंगे। हमने बैटरी को इंस्टॉल किया है और बाइक के प्लस और माइनस वायर्स को भी कनेक्ट कर दिया है। आइए हम चेक करते हैं इग्निशन ऑन करके कि ये जो स्टार्टर डायरेक्टली लेती है कि नहीं। बिल्कुल इसने स्टार्टर पहले ही बार में ले लिया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में रॉयल एनफील्ड के लिए एक गैजेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन में आपको बताने जा रहा हूँ, जिस गैजेट में आपको टाइम दिखेगा, बैटरी के वोल्टेज कितने हैं वो भी देखेंगे और बाहर का जो टेम्परेचर कितना है वो भी दिखेगा। उस गैजेट के बारे में इन्फॉर्मेशन और उसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे इंतजार कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।